हेलो फ्रेंड, मैं फातिमा रंगरेज। आज मैं आपके लिए चिकन विथ मैगी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम हमने चिकन लिया है, जिसमें हमने विंग्स और लेग पीस और बोन्स वाले ही पीस लीजिएगा। और यहाँ हमने 3 मैगी के पैकेट लिए हैं, और यहाँ हमने कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए लिया है, यहाँ हमने 1 ऑनियन चॉप किया है, यहाँ हमने 1 टमाटो चॉप किया है, यहाँ हमने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, यहाँ हमने 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक, 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है, क्योंकि हम जो मैगी के मसाले लेंगे उसके अंदर भी सॉल्ट ऐड होता है, इसलिए आप सॉल्ट आप बाद में टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और दूसरा, हमने कुछ भी मसाला नहीं लिया, क्योंकि सब जो मैगी का जो मसाला है बस वही मसाला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और ये हमने इंडोनी के मैगी के 3 पैकेट लिए। अब सबसे पहले हम ऑयल गर्म रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल हमने गर्म रख दिया था। अब हम इसमें जो ऑनियन लिए थे हम वो ऐड करेंगे। हम 1 मिनट ऑनियन को थोड़ा ट्रांसप्लांट होने तक पकाएंगे, थोड़ा ऑनियन ट्रांसप्लांट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे प्याज थोड़ा ट्रांसप्लांट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक का जो हमने 1 टेबल स्पून 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का जो हमने पेस्ट दिया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 से 2 मिनट तक भून गया। अब हमने इसके अंदर जो हल्दी, धनिया और पिंच ऑफ सॉल्ट लिया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हमने जो यहाँ पर 1 बड़ा टमाटो लिया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अब 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे, थोड़ा हमारा टमाटर थोड़ा गल जाएगा, उसके बाद हमारे जो मैगी के जो मसाले हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम मैगी को कट कर रहे हैं और इसके अंदर के जो मसाले आते हैं वो हम इसके अंदर निकाल लेंगे, क्योंकि वो हम इसके अंदर अभी चिकन के अंदर ऐड करेंगे। ये हम निकाल लेंगे, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, जो हमारे चिकन के जो मैगी के अंदर के जो पाउच में जो मसाले आते हैं वो हम लेंगे। हमने 3 मैगी के पैकेट लिए थे, हम 3 के मसाले ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने इसके अंदर का हम सिर्फ ऑयल यूज़ करेंगे, जो सोया सॉस है वो यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सी मैगी में ये सोया सॉस नहीं आता, लेकिन हमारी जो मैगी उसके अंदर सोया सॉस आया था, हमें सोया सॉस ऐड नहीं करेंगे, हम इसका सिर्फ ऑयल देंगे। आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, आप वेजिटेबल फ्लेवर हुआ या चिकन फ्लेवर, जो भी आपको आप वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसके अंदर मैगी का सारे मसाले ऑयल डाल दिया, इसका कलर कितना खूबसूरत आया। अब जो हमने चिकन ली थी 250 ग्राम, अब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए हम स्लो हीट पे रख देंगे, ताकि जिससे हमारी चिकन जल्दी से गल जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमारे चिकन 2 से 3 मिनट के लिए हमने जो भुनी थी वो भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 या 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड करके 5 मिनट के लिए उसको स्लो हीट पर मीडियम हीट पर हम उसको गैस को फ्लेम को रख देंगे। अब उसे कवर करके 5 मिनट के लिए हम ये देखिए फ्रेंड, हमारे चिकन को 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। आप इतना पानी ऐड करके मैगी इसके अंदर डीप में हो जाए। और आप ये मैगी जब आप चिकन मैगी बनाए तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें आप चिकन के पीस ज़्यादा बड़े मत रखिए, मीडियम साइज़ में रखिए, जो गलने में फटाफट गल जाए और आपको बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। अब हम इसको एक बॉयल आने देंगे, जब इसमें अच्छा एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर मैगी ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे चिकन में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है पानी में। अब हमने जो मैगी के पैकेट दिए थे इससे हम इसके 4 पीस करेंगे, ज़्यादा बड़ी भी हमें डालिए, छोटा ही करके डालिए इसको।
हम इस तरह से भी मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए हम कवर रख देंगे ताकि थोड़ा मैगी सॉफ्ट हो जाएगी तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए हम ऐसा रख देंगे ताकि सॉफ्ट मैगी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, ये 5 मिनट हो गए, हमारी मैगी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अभी हम इसकी हीट को स्लो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पानी है, अगर आप स्लो कर देंगे तो फिर मैगी बहुत ज़्यादा पक जाएगी। अभी हम इसे तेज पे ही रखेंगे, अभी इसे 5 मिनट के लिए हम तेज पे ही रहने देंगे, उसका थोड़ा सा पानी टूट जाएगा, फिर हम इसको इसकी हीट को हम स्लो कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी मैगी का पानी टूट चुका है, अब बस इतना पानी हमें चाहिए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए और हम इसको स्लो हीट पर रख देंगे जिससे मैगी बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी, उसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अभी हमने इसकी हीट को स्लो कर दिया है, अब हम इसको 5 मिनट के लिए और रहने देंगे। टोटल हमारी 10 से 15 मिनट में हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी लगेगी, आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमारी मैगी कितनी अच्छी तरह से बन चुकी है, बिल्कुल खिली खिली बनी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने हमारी मैगी को सर्व कर दिया है और यहाँ हमने जो कोरिएंडर लीव्स लिया था उससे हमने गार्निशिंग कर दिया है। देखिए प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को बनाइए, आप चाहे तो सिर्फ चाय बना सकते हैं या चाहे आप बच्चों के टिफिन के लिए भी इसे बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।